मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरी इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज फिर से मैं एक नए न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसे कि सामने आपको ये छोटा सा कार्टन कागज़ का दिख रहा होगा जो वाइट और रेड कलर के इस कॉटन में आता है, ये जेडू सेफ ड्रॉप है। अगर इस जेडू सेफ ड्रॉप के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें और मेरे वीडियो सबसे आगे पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये जेडू सेफ ड्रॉप दिख रहा है जो कि सिपोडाक्सिम ओरल सस्पेंशन है और ये 10 ml का ड्रॉप है और 6 ग्राम इसमें सॉल्ट है यानी कि पाउडर है और फॉर पेडियाट्रिक यूज ओनली यानी कि छोटे बेबी के लिए है और ये मैकलियार्ड्स का बेस्ट प्रोडक्ट है। ये पेटेंट दवा है, ये आपको ईजिली किसी भी केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए इसके कंपोजिशन पे नज़र डालते हैं। इसमें एच एम एल कंटेंट्स दिया हुआ है यानी कि इसमें सिपोडाक्सिम प्रोक्सटिल 25 mg दिया हुआ है और पैक कंटेंट्स में स्टाइल वाटर इंजेक्शन फॉर रिकन्सिलियेशन यानी कि इसमें स्ट्राइल वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर दिया गया हुआ है। चलिए इसके बॉक्स को खोलकर हम देखते हैं क्या क्या इस बॉक्स में हमको मिलता है। इसमें देखिए ये प्लास्टिक का बॉटल है और ये डिस्टिल वाटर है और ये ड्रॉपर हैं। ये तीन चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस ड्राई ड्रॉप को बनाने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो डिस्टिल वाटर होता है हमें टोटल इसमें डाल देना है। कई बार हमने देखा है कि कुछ मरीज़ इस पानी का यूज़ ना करके घर के पानी वगैरह डालने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कंपनी द्वारा दिया गया है, बहुत ही शुद्ध वाटर होता है और इसको एक साथ बनाकर पिलाना है। बहुत से मरीज़ क्या करते हैं कि थोड़ा सा डालेंगे डिस्टिल वाटर और इसमें से पाउडर निकाल के पिलाने लगते हैं। इस तरह करने से ये होता है कि जो डोज होता है कंपनी द्वारा जो डोज दिया गया है वो डोज हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी आप ड्राई सिरप को बनाएं तो जो उसके साथ दिया गया डिस्टिल वाटर हो उसको पूरा डाल दें और उसके बाद अच्छी तरह से हिला के और उसके बाद ही पिलाएं। चलिए इसके यूजेस जानते हैं। ये RTI इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन और SSTI इन्फेक्शन और OTITIS मीडिया इन्फेक्शन में इसका बहुत ही एक्सलेंट रिज़ल्ट है। RTI इन्फेक्शन वो है जैसे कि RTI इन्फेक्शन वो है जिसमें बोला जाता है जिसको रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उन इन्फेक्शन में हमारे सीने में कोई जख्म हो जाए या कोई घाव हो जाता है या बलगम वगैरह बैठ जाता है या हमारे जो टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, ये सब RTI इन्फेक्शन में आता है। UTI इन्फेक्शन हुआ है कि जिसमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है, यूरिन में यानी कि हमारे मूत्र में कोई संक्रमण हो जाए तो उसे यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे पेशाब के साथ पस वगैरह आने लगता है या पस आने लगता है या बुखार या फीवर वगैरह बना रहता है लंबे टाइम तक, ये सब यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता है।
SSTI इन्फेक्शन जो होता है स्किन से संबंधित इन्फेक्शन इसको बोला जाता है, उसमें हमारी स्किन पे किसी तरह का दाना निकल जाए या कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या हमारे शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाएँ या स्किन जो हमारा रेसेस हो जाए, ये सब स्किन इन्फेक्शन में आता है, उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ओटिटिस मीडिया में ये आता है कि हमारे ईयर में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसके वजह से हमारे कान बहने लगते हैं या फिर उसमें फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं, उनमें भी इस सिपोडाक्सिम का गजब रोल है। या हमारे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें भी इसका कंडीशन बहुत अच्छा है, यूज़ बहुत ही अच्छा है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि हमें फीवर होने लगता है, जो फीवर आगे चलकर टाइफाइड में बदल जाता है। और ग्राम निगेटिव में यानी कि जो वायरल मौसम की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, मौसमी इन्फेक्शन, उसमें भी इसका रिज़ल्ट एक्सलेंट है। कई बार हमारे घरों में जो छोटे बेबी होते हैं जिनका वेट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड हो जिनका वेट 1 से 1.5 kg से लेकर और 6 kg तक, इस ड्राप का हम यूज़ कर सकते हैं। ये पेडियाट्रिक ड्राप है, ऊपर क्लियर लिखा हुआ है पेडियाट्रिक ड्राप यानी कि नवजात शिशु बेबी के लिए है। 6 kg के बच्चे तक दे सकते हैं, अगर 5 kg का बच्चा है उसको हम 10 बूंद दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 kg का है या 5 kg का तो उसको 5 से 6 बूंद दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। इसके दो चार या पाँच खुराक पिलाने के बाद हमें, अगर जितने मैं इन्फेक्शन बतलाया हूँ आपको पीछे, ये उन तरह के इन्फेक्शन हो तो वो बिल्कुल आपको कम होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि वो धीरे धीरे करके इसके इस्तेमाल से सही हो जाएंगे। अगर जैसे कि फीवर वगैरह हो जाता है या फिर हमारे शरीर पे कोई गांठ हो गया या फोड़े फुंसी या कोई एक्सीडेंटल चोट हो तो उन कंडीशन में भी इससे बेबी को हम पिला सकते हैं, छोटे बेबी को। जबकि ये जेडुसेफ ड्रॉप है, ये आपको सिरप में भी अवेलेबल मिल जाएगा और इसके टैबलेट भी 50 mg, 100 mg, 200 mg में टैबलेट भी आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है ये मैकलियाट्स का। और इस जेडुसेफ ड्रॉप के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके। और ये वीडियो कैसा आपको लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।